पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कोरबा वन मंडल के करीब 400 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठ गए हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वन कर्मियों का आरोप है कि उनकी मांगों को लेकर उन्होंने पूर्व में भी प्रदर्शन किया था, लेकिन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यही वजह है कि उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा है। वन कर्मियों के हड़ताल में वन मंडल कोरबा के करीब 400 कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड से लेकर डिप्टी रेंजर रैंक तक के कर्मचारी शामिल हैं। 12 सूत्री मांगे हैं और अभी उसमें एक पुराने पेंशन लागू करने का मान्य कर लिए हैं, बाकी उसमें 11 बाकी जो है उसके सिलसिले में ही अभी हड़ताल की गई है। कोरबा वन मंडल के अंतर्गत तो लगभग 350-400 कर्मचारी हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड से लेकर और डिप्टी रेंजर तक के पोस्ट के जितने हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी उस समय तक के लिए जारी है। जो 2003 से 30-50 का वेतन मान निर्धारित किया गया था वन रक्षक के लिए, उस संबंध में अभी हमारे कर्मचारियों से शासन के द्वारा वसूली किया जा रहा है। उस वसूली को तत्काल बंद करना और हमारे सभी वन रक्षक, वनपाल और उप वन क्षेत्रपाल का ग्रेड पे सुधार के लिए है, वेतनमान सुधार के लिए, जिस कार्य के हिसाब से वेतनमान सुधार किया जाए, एक समान काम एक समान वेतन दिया जाए। और तीसरा, डिपो में जैसे कोई वीआईपी कार्यक्रमों के लिए जो डिपो से लकड़ियाँ जाती है वो जब पूरी तरह से वापस नहीं आती तो उसका वसूली हमारे कर्मचारी साथी भाई से किया जाता है, उसको राइट अप किया जाए, किसी कर्मचारी साथी भाई को परेशान न किया जाए वसूली करके। वन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से जंगल की सुरक्षा खतरे में आ गई है। गर्मी बढ़ने के कारण वैसे ही दावानल का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जंगल में अगर आग लगती है तो उसे कौन बुझाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।